शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम पर चल रहे राजकीय टिप्पणियों के कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के सिल्वर ओक मुंबई यह निवास स्थान पर एक प्रभु श्री राम का स्मरण दिलाने हेतु भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर जिला ग्रामीण व सावनेर तहसील की ओर से सावनेर में 28 जुलाई को सैकड़ों पोस्ट कार्ड भेजे गए। यह जानकारी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री शशिकांत सिंह ठाकुर ने दी। इस समय पर जय जय श्री राम के नारे लगाए गए। इस समय भाजपा युवा मोर्चा नागपुर जिला ग्रामीण के मंत्री सोनू बरैया, मंत्री महेंद्र जनबंधु सोमी व आईटी सेल नागपुर जिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष आनंद श्रीवास्तव, संदीप पवार, राजा बोड़खे, इनके साथ युवा कर्मचारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। राम मंदिर बनाने से क्या होगा और राम मंदिर बनाने से ये समस्या हल हो जाएगी क्या, ऐसा वक्तव्य माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने कुछ दिनों पहले दिया था, जिसके विरोध में आज यहाँ युवा मोर्चा के नागपुर जिला के पदाधिकारियों ने यहाँ उनको जय श्री राम लिखकर यहाँ से लेटर भेजा है। जय श्री राम। तो इस बारे में और हम अधिक जानकारी के लिए चलेंगे। हमारे साथ में युवा मोर्चा के जिला के महामंत्री शशिकांत सिंह ठाकुर। तो सर, क्या आज आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया, क्या विरोध में आपने पोस्ट डाले, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। इस महाराष्ट्र के आदरणीय नेता शरद चंद्र जी पवार, जिन्होंने लगातार राम विरोधी बातें, हिंदू समाज, हिंदू धर्म की अपमान करने की बातें लगातार बोल रहे हैं और उनकी पार्टी भी लगातार बोल रही है, आज जब राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होने जा रहा है, तो केवल एक समाज को खुश करने के लिए राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर बनने से क्या होगा यह वक्तव्य देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पवार साहब ने ऐसा वक्तव्य दिया। इसलिए आज युवा मोर्चा, नागपुर जिले का युवा मोर्चा, सांकेतिक रूप से विरोध करने के लिए आज हमने उन्हें जय श्री राम का पोस्ट कार्ड भेजा कि जय श्री राम, राम ही राम, और राम को बोलने से हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि महाराष्ट्र का युवा, नागपुर जिले का युवा के दिल में राम बसे हुए हैं, भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति के मन में राम बसे हुए, और माननीय मोदी साहब 5 अगस्त को अयोध्या में जाकर राम मंदिर का भव्य पूजन करने वाले हैं, भव्य इस देश के अंदर दीपावली मनने वाली है। पवार साहब, हमें आप और आपकी पार्टी, आपकी सरकार जय श्री राम बोलने से नहीं रोक सकती, इसलिए आज हमारा सांकेतिक विरोध है। जय श्री राम, जय श्री राम।